तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K24 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना आप सभी की सबसे मन पसंदीदा टीम RRR फेस करेगी भाई मेरी बनाई हुई नई टीम ROB को। और दोस्तों आज के इस टैग टीम मैच से ना अपने काउबॉय ब्रॉक लेसनर भी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये मैच और देखते हैं कि आज के इस टैग टीम मैच में ना आपकी फेवरेट टीम RRR जीतती है या फिर मेरी बनाई हुई टीम ROB। ठीक है चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज के हमारे इस टैग टीम एलिमिनेशन मैच में ना कौन सी टीम जीत सकती है भाई, टीम RRR या फिर टीम ROB भाई। और दोस्तों एक चीज और भाई आप लोग मुझे ये बता देना ना कि ये वाले काउबॉय ब्रॉक लेसनर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। ठीक है अभी तो फिलहाल रिंग के उस तरफ खड़े हुए हैं ना, जब वो अपना मैच करने के लिए रिंग में आएंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाले काउबॉय ब्रॉक लेसनर कैसे हैं। ठीक है जैसे भी आप लोगों को लगे ना आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना भाई, क्योंकि भाई पूरा आधे से एक घंटा जब ढूंढा है ना मैंने ये वाले ब्रॉक लेसनर को तब जाके मिले हैं भाई ये वाले काउबॉय ब्रॉक लेसनर। बाकी के जो भी मॉड्स अभी तक काउबॉय ब्रॉक लेसनर के 2K24 में आए हैं ना बहुत ही बेकार हैं भाई। तो ये वाला मॉड मुझे सबसे अच्छा लगा तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है भाई। वैसे लग तो डिट्टो वैसे ही रहे हैं लेकिन थोड़े से यंग लग रहे हैं भाई इसमें। रुक आपके पास फिनिशर है भाई, रुक फिनिशर लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाए फिनिशर भाई। रुक फिनिशर है आपके पास क्योंकि फाइनल बॉस को अगर फिनिशर नहीं लगाओगे तो ये एलिमिनेट होंगे नहीं मैच से इतनी जल्दी। तो ब्रॉक के पास फिनिशर है तो लगाना तो चाहिए भाई। और फाइनल बॉस के पास भी दो फिनिशर हैं भाई, आज टीम RRR को जिताने में फाइनल बॉस मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अरे नीचे भाई नीचे रैंडी ऑर्टन मेरे रोमन रिंग से मार खा रहे हैं भाई, मेरी टीम के रोमन रिंग से। ठीक है मेरे रोमन से नहीं मेरी टीम के रोमन से भाई। किसको टैग देने जा रहे, फिर से ओमिनीमैन को टैग देने जा रहे। बहुत अच्छा भाई ओमिनीमैन फिनिशर है तेरे पास, फिनिशर बहुत अच्छा भाई। अभी तो ओमिनीमैन बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, दो फिनिशर बैक टू बैक लगा दिए हैं। अच्छा रोमन ने बचा लिया फाइनल बॉस को यार, ओमिनीमैन अभी फिनिशर नहीं है भाई तुम्हारे पास। अच्छा रॉकी ने मुझे लगता है कि अभी अपनी रेजिलेंसी का इस्तेमाल नहीं किया है भाई, और बैक टू बैक मुझे लगता है कि दो फिनिशर तो ओमिनीमैन ने लगा दिया। अरे अरे रिवर्स कर दिया भाई, रॉकी का फिनिशर छीनना पड़ेगा ओमिनीमैन तुमने। अगर आज मेरी टीम को ओमिनीमैन ने जिता दिया ना तो भाई सारे के सारे कमेंट्स में ओमिनीमैन ओपी होना चाहिए भाई, पर मुझे लगता नहीं है कि मेरी टीम आज टीम RRR के सामने उतना बेहतर खेल पाएगी करके, क्योंकि टीम RRR बहुत ही लेजेंड टीम है भाई। इस टीम को हराना ऐसी वैसी टीम की बस की बात नहीं है भाई, लेकिन देखते हैं भाई एक टीम तो मैंने आज उतारी है ना उनके खिलाफ में। अगर मेरी टीम जीतती है तब भी मैं मान लूँगा कि कम से कम चलो RRR के मुकाबले में तो टीम अच्छी है भाई, लेकिन भाई जब तक हराती नहीं है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। अच्छा रैंडी ऑर्टन का ये कौन सा मूव है भाई, मुझे लगा सिग्नेचर फिनिशर कुछ लगा दिया भाई। ओमिनीमैन के पास फिलहाल कोई फिनिशर कोई सिग्नेचर नहीं है भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई ओमिनीमैन, जाके अपने कॉर्नर पे टैग देना चाहिए था भाई ओमिनीमैन ने। जब आपको पता है कि आपके पास फिनिशर सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं है ना तो जाके अपने कॉर्नर पे टैग दे सकते हो। बल्लो भाई मेरे रोमन को भी तोड़ दिया रैंडी ऑर्टन ने भाई। अच्छा ब्रो रैंडी के पास क्या कर रहे हो भाई, रैंडी को कुछ मत करना भाई, रैंडी को कुछ नहीं करना है भाई। बहुत अच्छा रिंग के अंदर डाल दो, बहुत अच्छा भाई। अच्छा ओमिनीमैन फिर से उल्टे काम करने लगा भाई, क्यों भाई फाइनल बॉस को छेड़ने की क्या जल्दी है बताओ, फाइनल बॉस को इतनी जल्दी नहीं छेड़ना है भाई। अच्छा रैंडी के पास दो फिनिशर हैं भाई, देखा जाए तो सारे ही सुपरस्टार्स के पास दो दो फिनिशर हैं अभी। अच्छा रैंडी के पास फिनिशर है लेकिन लगा किन्हें रैंडी ऑर्टन। अच्छा एक फिनिशर है भाई रैंडी के पास अभी। अरे बहुत अच्छा भाई ओमिनीमैन रिवर्स कर देगा, रैंडी रिवर्स कर देंगे भाई। बहुत अच्छा ओमिनीमैन अगर इसी तरह मारता रहा तो मुझे लगता है कि ओमिनीमैन अपने पास फिनिशर जरूर ले आएगा भाई। देखो भाई आज के इस मैच को जो भी टीम जीतेगी ना वो टीम तो बेहतर होगी, लेकिन भाई जो भी टीम हारेगी ना ऐसा नहीं कि वो टीम बेकार होगी भाई, वो टीम भी तो जबरदस्त है ना, क्योंकि दोनों की दोनों जबरदस्त टीमें आज एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं भाई आज के इस मैच में। अगर मेरी टीम जीतती है इसका मतलब ये नहीं कि टीम RRR बेकार है भाई, और अगर टीम RRR आज के इस मैच को जीतती है इसका मतलब ये नहीं कि टीम ROB बेकार है भाई, क्योंकि टीम ROB में सुपरस्टार बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा ओमिनीमैन के पास सिग्नेचर तो है भाई, लगा सकता है सिग्नेचर लगा सकते हो भाई ओमिनीमैन, रैंडी ऑर्टन को सिग्नेचर दे रहे थे, कोई ना कोई बचा लेगा रॉकी। अरे रिवर्स कर देंगे, वैसे भी किकआउट कर देंगे ना रैंडी, तो रैंडी के पास अभी रेजिडेंसी वगैरह बची है तो रैंडी किकआउट कर सकते हैं भाई, लेकिन ओमिनीमैन के पास सिग्नेचर है भाई तो सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकता है भाई ओमिनीमैन। ओमिनीमैन सिग्नेचर का इस्तेमाल कर लो मेरे दोस्त। अच्छा ओमिनीमैन के पास इसमें सिग्नेचर है, मैंने स्टनर दिया हुआ है ना इनको, तो स्टनर तो लगा सकते हैं, आर की उससे बेहतर ही मूव लगता है मुझे स्टनर।
क्योंकि जल्दी लगाया जा सकता है ना भाई स्टनर। वैसे आरक्यू भी जबरदस्त मूव है, लेकिन स्टनर मुझे ज्यादा पसंद है भाई आरक्यू से। अच्छा ओमिनी में अरे फंसा के पिन कर रहे रैंडी ऑर्टन, लेकिन फंसा के पिन कर नहीं पाएंगे भाई। अच्छा रेफरी, ये रेफरी कहाँ ध्यान है भाई रेफरी का। अच्छा आज के इस मैच में मुझे लगता है कि फीमेल, अच्छा मैंने जल्दीबाजी में फीमेल रेफरी सिलेक्ट कर दी मुझे लगता है। चलो कोई नहीं भाई, हमें तो मैच देखने से मतलब है ना। चलो कम से कम अभी तक दोनों टीमों में से एक भी सुपरस्टार एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये वाले काउबॉय ब्रॉक लेसनर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, जो अपने ओरिजिनल वाले हैं ना लगभग उन्हीं के जैसे लग रहे हैं, कि थोड़े बहुत यंग लग रहे हैं ये वाले ब्रॉक लेसनर। फिनिशर लगा देंगे ओमिनी मैन रोमन, रोमन कहाँ मौका देंगे भाई तुम्हें ऐसे। किक आउट बहुत अच्छा भाई, मुझे लगता है कि ओमिनी मैन ने अपनी रेजिडेंसी का इस्तेमाल कर लिया है भाई। ओमिनी मैन दिवस बहुत अच्छा, ओमिनी फिनिशर है तेरे पास, तूने रोमन का फिनिशर छीन लिया है भाई। ओमिनी मैन फिनिशर लगा सकते, अरे अरे रोमन, ओमिनी मैन ये क्या, अरे अरे ब्रैंडी तुम्हें क्या जरूरत है भाई ब्रॉक से मार खाने के नीचे जाके। मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर उन्हीं के कॉर्नर पे आए हुए हैं भाई। फिनिशर लगा, ओमिनी मैन फिनिशर तो लगा सकता है भाई, जबकि ओमिनी मैन के पास दो दो फिनिशर हैं, लेकिन अभी भी फिनिशर नहीं लगा रहा ओमिनी मैन। क्या कर रहा है ये, क्या बेवकूफ़ी है ओमिनी मैन भाई। फिनिशर है तुम्हारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी फिनिशर नहीं लगा रहे हैं भाई। और ब्रॉक लेसनर को देख रहे हो भाई आप, नीचे जाके मार क्यों खा रहे हैं भाई। डबल टीम, डबल शोल्डर टैकल कर लिया ना। अच्छा ये वाले रोमन के पास भी दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है भाई, तो लगा तो सकते हैं खुले बालों वाले रोमन को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लगाने के मूड में लग रहे हैं फिनिशर अभी ये। अच्छा ये वाले रोमन भी लगाएंगे, फिनिशर लगाएंगे, देख लेना आप लोग, क्योंकि भाई ये भी तो वही वाले रोमन है ना, अलग अलग भले मैंने डाउनलोड किए हैं तो वही रोमन वैसे भी। बहुत अच्छा भाई, ये चुंडी वाले रोमन काम तो अच्छा कर रहे हैं, फिनिशर लगाना है, लेकिन यार कम से कम दो फिनिशर में रोमन की हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कमज़ोर कर सकते हैं भाई। देखो अगर रोमन को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है ना, यानी कि खुले बालों वाले रोमन को, तो मेरी टीम के जीतने की संभावना 70% बढ़ जाएगी भाई मैच में। रोमन ने ग्रीटिंग लगा दिया रोमन को, बहुत अच्छा भाई। अब मुझे लगता है कि रेजिलेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर रैंडी या फिर रॉकिन में से कोई बचाने आ जाएगा भाई। अच्छा रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लिया भाई, रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लिया खुले बालों वाले रोमन ने। लेकिन खुले वाले वाले रोमन के पास अब कोई भी फिनिशर और कोई भी सिग्नेचर नहीं है भाई, तो अपनी चुंडी वाले रोमन मुझे लगता है कि आज मैच को जीत सकते हैं भाई। बहुत अच्छा, किसी को टैग देने जा रहे हैं, रॉकी को टैग दे दिया भाई, बहुत अच्छा। ये स्पेयर खाएंगे मुझे लगता है रॉकी, बिग बूट खाए, लेकिन मुझे तो स्पेयर की उम्मीद है भाई। अरे अरे यहाँ चुंडी वाले रोमन क्यों खुले बाल वाले रोमन को छेड़ रहे हैं भाई। लो भाई फिर से लगा दिया भाई स्कॉर्पियन डेट, अरे अरे स्कॉर्पियन लॉक लगा दिया यार। ये भी रॉकी का सिग्नेचर है भाई, सिग्नेचर है रॉकी का ये। रोमन फिनिशर है आपके पास, लगा सकते हो रोमन फिनिशर, लगा सकते हो भाई। रोमन के पास फिनिशर है, लेकिन रोमन फिनिशर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि दो दो फिनिशर है भाई रोमन रिंग्स के पास। सुपरमैन पंच बहुत अच्छा भाई, इससे भी रॉकी की हेल्थ थोड़ी बहुत तो एलिमिनेट हो जाएगी भाई, अगर रिवर्स ना करें तो। बहुत अच्छा भाई, अच्छा पिन तो करना चाहिए, लेकिन पिन क्यों नहीं किया भाई। रॉकी के पास दो फिनिशर है, लगा दिया गिलिटिन फिर से, गिलिटिन कोई ना कोई बचा लेगा मुझे लगता है, कोई ना कोई बचा सकता है भाई। रोमन बचा लेंगे, रोमन बचा लेंगे, रोमन ने बचा, टैप आउट कर दो रॉकी, टैप आउट, टैप आउट कर दिया, टैप आउट कर दिया भाई। चलो कम से कम फाइनल बॉस को तो एलिमिनेट कर दिया भाई। अरे रैंडी को भी ग्रिटिन में ले लिया, बाप रे बाप, मेरे वाले रोमन तो बहुत ज्यादा जोश में दिख रहे हैं भाई मुझे। रेजिलेंसी रैंडी, रेजिलेंसी का इस्तेमाल कर लो, रेजिलेंसी रैंडी, रेजिलेंसी, अरे अरे रेजिलेंसी रैंडी भाई, भाई भाई मेरे वाले रोमन तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं भाई। स्पेयर लगा सकते थे यार, अपने कॉर्नर पर ले जाके क्या करना था रोमन बताओ। स्पेयर लगा सकते हो, लेकिन स्पेयर क्यों नहीं लगा रहे हो। रैंडी के पास दो आरक्यू हैं भाई, लेकिन रैंडी ने अभी तक एक आरक्यू किसी भी सुपरस्टार को नहीं लगाया है। लगा दिया ये, इन्होंने नॉर्मल मूव से कुछ फर्क नहीं पड़ना रैंडी, अगर फिनिशर सिग्नेचर लगाना है तो ही फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि युवाले रोमन को भी अगर फिनिशर सिग्नेचर पड़ जाएगा ना, तो इनको मजबूरन अपनी रेजिडेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। रोमन जाके अपने कॉर्नर पे टैग दे सकते हो किसी एक सुपरस्टार को। स्पेयर बहुत अच्छा भाई, अभी तो रैंडी को अपनी रेजिडेंसी का इस्तेमाल ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा भाई। रेजिडेंसी गई रैंडी ऑर्टन की, रेजिडेंसी गई भाई। रोमन जाके टैग दे दो किसी सुपरस्टार को। अच्छा ओमिनी मैन के पास दो फिनिशर है भाई, बहुत अच्छा, अभी अपने कॉर्नर पे ले जा सकते हैं भाई। बहुत अच्छा, किस सुपरस्टार को टैग देंगे भाई। बहुत अच्छा ओमिनी मैन को टैग देते, ओमिनी मैन सिग्नेचर फिनिशर दोनों है तेरे पास, लगा सकता है फिनिशर लगा सकता। अरे 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 सिग्नेचर छीन लिया यार स्टनर,
मारी है मुंह पे लात बहुत अच्छा भाई। मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन गए, रैंडी ऑर्टन मैच से गए। रेफरी काउंट कर ले भाई, रेफरी काउंट कर ले। रैंडी गए, रैंडी ऑर्टन भी मैच से गए भाई। अब मात्र रोमन रेंस बचे हुए हैं भाई टीम आरआरआर से, और मेरी पूरी की पूरी टीम बची हुई है अभी तक। अब मुझे लगता नहीं कि रोमन रेंस कुछ कर पाएंगे करके, अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। वैसे भी अपने युवा रोमन की रेजिलेंसी भी जा चुकी है ना, तो अब कुछ भी कर पाना संभव नहीं है भाई। और ओमिनी मैन भाई पोजीशन में आ चुके हैं फिनिशर लगाने की, लगा दिया फिनिशर। गए 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 ये वाले रोमन भी गए भाई। अब फिर अरे रिवर्स कर दिया भाई। भाई ये वाले रोमन बहुत ही जबरदस्त हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त हैं भाई ये वाले रोमन। देख रहे हो भाई, रेजिलेंसी ना होने के बावजूद भी रिवर्स कर दिया। एक फिनिशर और है ओमिनी मैन तुम्हारे पास, बिग बूट। अब नहीं बचेंगे भाई, अब नहीं बचेंगे भाई। अभी भी फिनिशर का इस्तेमाल कर लिया ना ओमिनी मैन ने अपने। अब के गए भाई। भाई आज के मैच में ना टीम आरआरआर भी बहुत ही जबरदस्त खेली है, लेकिन आज के मैच में मेरी टीम आरओ भी बहुत ही जबरदस्त खेली है भाई। और दोस्तों आप लोगों से एक बात और, ठीक है, आप लोग मुझे ये बता देना ना कि आप लोगों को ये वाले काउबॉय ब्रॉक लेसनर कैसे लगे भाई, ठीक है। वैसे आज के इस मैच मेरी टीम आरओ भी जीती है ना, मुझे तो बहुत खुशी है भाई, ठीक है। लेकिन टीम आरआरआर के मैच ही मैं लाते रहूंगा, ऐसा मत सोचना आप, ठीक है। तो चलो भाई, हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो। टाटा बाय बाय।